हिमाचल के कर्मचारियों का दर्द इसलिए और गहराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी इन दिनों बुरी तरह मायूस हैं और उनकी ये हालत समझी भी जा सकती है। कर्मचारियों को पता है कि प्रदेश सरकार उन्हें सभी वित्तीय लाभ देना तो चाहती है, पर इसके आड़े धन की कमी आ रही है। उम्मीद थी कि अपने ताजपोशी के 8 साल का जश्न मनाने हिमाचल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए खजाने की झोली खोल देंगे, जिससे मुलाजिमों की भी सभी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। पर सब जानते हैं कि हिमाचल को इस अवसर पर क्या मिला। ऐसे में कर्मचारियों का हौसला टूटना आसानी से समझा जा सकता है। मोदी और कर्मचारियों की उम्मीद जी, कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं। बड़ा फैक्टर होने वाले हैं कर्मचारी इन चुनावों में जी। राजेश, शिमला में प्रधानमंत्री साहब का भाषण जैसे ही खत्म हुआ कल, जैसे ही उन्होंने भारत माता की जय करके वो मुड़े जी, हाथ हिलाया उन्होंने, हिमाचल के लाखों कर्मचारी मायूसी के समंदर में डूब गए। क्यों मायूस हुए? बिल्कुल, देखिए हिमाचल के कर्मचारी ही नहीं, समूचा हिमाचल एक तरह से हर किसी को एक तरह से निराशा में। कर्मचारी इसलिए मायूस है अग्निहोत्री जी कि पिछले दिनों अगर हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चाहे बात हो, जगत प्रकाश नड्डा साहब, उन्होंने ओपीएस को लेकर उम्मीद जताई थी कि मसला प्रधानमंत्री के ध्यान में है, हुआ कुछ नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इसमें ये थी कि एक पैकेज की आस हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी थी, क्योंकि आप ये देखिए कि नए पे कमीशन के लाभ कर्मचारियों को मिल नहीं रहे हैं। एरियर का भुगतान सरकार ने कर्मचारियों को करना है, उसके लिए पैसा सरकार के पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार को कुछ स्पेशल पैकेज देते तो उस पैकेज के तहत सरकार के पास जब खुला धन होना था तो कर्मचारियों को सारे वित्तीय लाभ एक साथ मिल जाने थे। अब सरकार का हाथ क्योंकि खाली रहा है, पैकेज मिला नहीं है, तो कर्मचारियों को जितनी भी देनदारियां होंगी वो अभी सरकार के, आप मान के ये चले कि मुश्किल हालात से सरकार को भी गुजरना पड़ेगा। इसीलिए प्रदेश भर के कर्मचारी मायूस नजर आए हैं कल जब प्रधानमंत्री, जिस तरह से उनका दौरा रहा है जी राजेश। और एक्सपर्ट मानते हैं कि ये मायूसी जो है जी, ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई आधार नहीं है, आधार ही नहीं है मायूसी जी। ये मायूस होना वो समझते हैं कि क्योंकि कर्मचारी हर चीज जानते हैं, उनको पता है कब क्या कैसे मिलता है जी। कब उनको पता है कि अब मिल जाना चाहिए, क्या उनको पता है कि क्या मिलना है, लेकिन कैसे भी जब सवाल आता है तो कर्मचारी यहाँ पे मायूसी आ जाती है। बिना केंद्र की मदद से, बिना डबल इंजन के जोर लगाए शायद ये सारे मसले हल नहीं हो पाते। ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस की दिल्ली तो अब दूर लगती है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए पुराने पेंशन की बहाली अब थोड़ा सा जटिल मसला बन गया अग्निहोत्री जी। अब एक तो दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी कि कर्मचारियों के आंदोलन भी हिमाचल प्रदेश में हुए 3 मार्च की, आप याद कर लीजिए। उसके अगले की कॉल दी हुई है, अगले की कॉल तैयार करी है। कल एनपीएस के कर्मचारी आंदोलन शुरू कर रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। किन्नौर के रिकांगपियो से इसका आगाज होने जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र तक ये चीज चलेगी, जहां एनपीएस के कर्मचारी अपने परिवारों को लेकर सरकार का घेराव करने जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, ऐसी कॉल उन्होंने दे दी है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्योंकि मसला जब केंद्र के ध्यान में है और इसकी पुष्टि जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं, कल बहुत बड़ा मौका प्रधानमंत्री के पास भी था, बहुत बड़ा मौका हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए था, देश भर के कर्मचारियों के लिए था। कहीं से कोई ऐलान जब नहीं हुआ तो अब मान के ये चले कि अब तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए तो भाजपा ने एक तो कमिटमेंट कर नहीं रखी है, ना सरकार कह रही है कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं। विरोधी दल सीधे तौर पर सरकार को निशाना साध के कह रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस तो खुले मंच पर ऐलान कर रही है तो हम तो पहला निर्णय सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के हक में यही सबसे बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। तो अभी ओपीएस के लिए सिर्फ आंदोलन संघर्ष के अलावा कुछ नजर आ नहीं रहा। अग्निहोत्री जी आपने सही कहा, लड़ाई अभी बड़ी लंबी चलेगी, दिल्ली दूर है, हाई ग्रेड पे जी। बहुत चर्चा में रहा मसला, आज हुआ, कल हुआ, हो गया, होने वाला है, ये लीजिए, पर कुछ नहीं हुआ। राजेश, ये भी तो दूर की कौड़ी लग रहा है। बिल्कुल, देखिए हाई ग्रेड पे सीधे तौर पे कहें तो फिलहाल है कुछ नहीं। अभी आप ये मान के चलिए कि इस पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, आप देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के साथ अभी बैठक होनी है, और पिछले दिनों जो बैठक हुई थी जिसमें आप जब ये फाइल चली थी उस पे डिस्कस लिखा था, उसमें कहा गया था कि कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, कई संभावनाओं पे चर्चा हुई। पैसा सबसे बड़ा रोड़ा इसमें सरकार के सामने एक तरह से आ रहा है, और बड़ी बात यह
ये है कि अभी इस पे हुआ कुछ नहीं है और कर्मचारियों को जिस तरह के लाभ मिलने हैं अग्निहोत्री जी, अभी अगर हम देखते हैं तो जीएसटी प्रतिपूर्ति का जो सरकार को पैसा आएगा, अगर सरकार देने पे आई तो एकदम से इनका भुगतान इस तरह से तो कर सकती है, लेकिन पैसा बहुत बड़ा मसला है। आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण चर्चाएं इसी पे अब होने जा रही है। अभी इस महीने जो कैबिनेट की बैठक होगी, 10 से पहले पहले कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें हो सकता है कि इस पे कोई फैसला हो जाए, लेकिन फिलहाल इसके आसार कम अभी नजर आ रहे हैं। राजेश बिल्कुल सही कहा आपने, कहा हो सकता है फैसला हो जाए, लेकिन देखिए पिछली बैठकों पे अगर ध्यान दें जी, तो हमारे कर्मचारी साथी जानते हैं कि उम्मीद कितनी की रखनी चाहिए। बिल्कुल, अब तभी उम्मीद करें जब फैसला सामने आ जाए, निर्णय हो जाए। सरकार तो चाहेगी, लेकिन बड़ी बात वही है धन कहां से आएगा। बिल्कुल, धन एक की फैक्टर है इसमें राजेश। अच्छा राजेश, ये जो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी वाला मसला है, ये तो बहुत उलझा हुआ है, मौजूदा हालात में कुछ दिख रहा है क्या आपको इसका होता हुआ? बिल्कुल, देखिए मौजूदा हालात में ना तो इस पे कोई चर्चा नजर आ रही है, ना ही कोई संभावना इसकी नजर आ रही है। कर्मचारी दबाव बना नहीं पा रहे हैं, सरकार मुद्दा उठा नहीं रही है या सरकार तक मुद्दा पहुंच ही नहीं रहा। और आप देखिए कि जब ये इस कर्मचारियों की जो जेसीसी हुई थी, जब उसकी बैठक हुई थी तो सहमति यहां बनी थी कि इसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी देखेगी, लेकिन कमेटी अभी देखिए नवंबर महीने में जेसीसी हुई थी, आज तक कमेटी बनी नहीं है। उसके बाद विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीधे तौर पर इसमें कुछ होने जा नहीं रहा है। 72,000 कर्मचारियों को जो वरिष्ठता का लाभ है, आप ये मान के चलिए कि इस पे आने वाले दिनों में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वर्तमान अगर दौर की बात है तो फिलहाल इस पे कुछ होता नजर आ नहीं रहा है, कर्मचारियों को राहत मिलती दिख नहीं रही। जी जी राजेश, अगर ये हो जाता है तो लगभग उतनी बड़ी सफलता होगी जितनी आप ये कहिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन वाली। बिल्कुल, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है, सीधी सी बात है, और मौजूदा हालात को देख के तो लगता नहीं है कि फिलहाल कुछ हो रहा है, होगा। हमारी शुभकामनाएं कि हो जाए, हमारी कामना है बल्कि हो जाए। अब देखिए जब होगा तो आपको बता देंगे। पे कमीशन एरियर पे राजेश पीछे खबर आई थी कि शायद अब शुरुआत में ही दे दिया जाए पे कमीशन जी, जो एरियर है, पर एरियर राजेश ये लाखों मतलब हजारों करोड़ रुपए में होगा ये शायद। बिल्कुल, क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जहां तक सरकार की बात है अग्निहोत्री, सरकार इसको एरियर का जो भुगतान कर्मचारियों को करने जा रही है वो भुगतान किश्तों में होगा, और इसकी कार्य योजना बाकायदा बन गई है। इस महीने इसकी पहली किस्त कर्मचारियों के खाते में डल जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 181,000 कर्मचारियों में से जिन्होंने पे कमीशन की दो ऑप्शन ली है, चाहे 2.25 की ऑप्शन है चाहे 2.259 का फिगर है, जो दो में से जिन्होंने एक ऑप्शन ली है उनको एरियर मिलेगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी, इस तरह के 151,000 पेंशनर हैं, उनको लेकर उनको भी एरियर मिलने जा रहा है। पहली किस्त इस महीने मिलने जा रही है, सरकार ने उसके लिए बाकायदा चर्चा भी हो गई, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्य वित्त सचिव है उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठकें कर ली हैं, तो पहली किस्त की संभावना इस महीने है। उसके बाद फिर सरकार डिसाइड करेगी कि अगला मतलब कितनी किस्तों में कर्मचारियों को फिर ये एरियर दिया जाना है। पहली किस्त इस महीने सरकार दे रही है। राजेश, यूजीसी स्केल जो है 7th पे कमीशन, क्योंकि सेंटर के पास 7th है, हिमाचल में 6th है जी, उसके अकॉर्डिंगली कब मिल रहा है? आप कहिए कि कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को और यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को जी, क्या लगता है? बिल्कुल सही है, देखिए इस पे सरकार ने अभी बहुत जल्द इस पे फैसला होने जा रहा है अग्निहोत्री जी, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर जिस तरह से हड़ताल पे हैं, वो थोड़ा सा परिस्थितियां युवाओं के लिए उनके लिए चिंताजनक है, जिनका बिल्कुल फाइनल ईयर का रिजल्ट तक, आप देखिए यूजी के तमाम रिजल्ट लटके पड़े हैं, पेपर चेक हो नहीं रहे हैं, जितने भी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हड़ताल पे चले, 1 घंटे की हड़ताल हर दिन कर रहे हैं। सरकार से मांग ये है कि जब बाकी राज्य कर सकते हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश सरकार की ऐसी मजबूरी क्या है, क्यों इस मसले को लगातार लटकाया जा रहा है, क्यों ये मसला हल नहीं किया जा रहा है? अब इसमें इनपुट एक आया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले सरकार इस पे फैसला लेने जा रही है, तो वहां से इन जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म कर दी जाए, तो इसीलिए दबाव लगातार इनका बना हुआ है और मजबूरी सरकार की है, तो ये फैसला इन पे आने वाला है। 32,000 आउटसोर्स कर्मचारी जी, बहुत उम्मीदों के भंवर में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं कि पॉलिसी आ जाएगी। 32,000 और अब विभागों में मर्ज करने की बात कही है डाइंग कैडर के अगेंस्ट जी, अब पता नहीं 32,000 का डाइंग कैडर एक साथ तो मिलने से रहा राजेश, लेकिन इसको एक चैनलाइज करके एक पॉलिसी सामने लाने की बात हो रही थी जी, अब वो भी कहीं पीछे दिखती है, कहीं बिहाइंड द स्टेज है कहीं पे, है ना जी? बिल्कुल, तो
क्या लग रहा है आपको, ये पॉलिसी कितनी जल्दी दिख रही आती हुई आपको? बिल्कुल, देखिए जो उत्साह एक टाइम लग रहा था, चाहे सब कमेटी का उत्साह था, कैबिनेट की जो सरकार ने बनाई है, चाहे सरकार का उत्साह था, या फिर चाहे इन 32,000 कर्मचारियों का उत्साह था, वो उत्साह अब कहीं नजर आ नहीं रहा है। कर्मचारी इसलिए मायूस है कि सरकार मसले को डिले कर रही है, सरकार ये देख रही है कि धन का अगर प्रबंध हो जाता है तो हम लाभ देने की स्थिति में होती है। सब कमेटी ये देख रही है कि मौका सही कब आएगा जब हम सरकार के सामने इस चीज को रखेंगे। तो मौका, पैसा और उम्मीद, तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पूरी हो नहीं पा रही हैं। तो आउटसोर्स के कर्मचारियों के हिस्से भी अभी सिर्फ इंतजार है अग्निहोत्री जी। ड्राफ्ट जो सामने आया है अभी, उस ड्राफ्ट पे चर्चा सरकार से हुई नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, चर्चा जब होगी फिर कहीं वहीं से रास्ता निकलेगा। धैर्य बनाए रखे जी, धैर्य धैर्य ही काम आता है, होगा कुछ ना कुछ। राजेश जल्दी से, समय बहुत बहुत कम है, हम बहुत ज्यादा समय ले चुके हैं दो सेगमेंट पे, छोटे से आप कम से कम शब्दों में बताइए, कोई किसी और कर्मचारी वर्ग के लिए आपके पास कोई राहत भरा समाचार है, कम से कम शब्द? बिल्कुल, देखिए राहत भरा समाचार किसी के लिए नहीं है, सिर्फ इंतजार सभी कर्मचारी वर्गों के लिए है। और बड़ी बात यह है कि बेरोजगार अरसे से सरकार से मांग कर रहे हैं, कि बेरोजगार कह रहे हैं कि हमें तो लग ही ना रहा अग्निहोत्री जी कि चुनावी साल है, और चुनावी साल में जिस तरह से नौकरियों का पिटारा खुलता है, वो कब खुलेगा? वो जब खुलेगा तब लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल है और नौकरियों की बहार या बंपर नौकरियां निकली हैं। तो उनको बहुत उम्मीद थी, उम्मीदों पे सरकार भी अभी खरी उतर नहीं पाई है। बाकी कर्मचारी भी अभी सब तमाम तरह के कर्मचारी सिर्फ लाभ का इंतजार सरकार से कर रहे हैं जी। वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होती है कोई भी नौकरी निकालने से पहले जी। वित्त विभाग अभी सेटिस्फाइड नहीं है कि सरकार के पास इतना धन है, तो एक तरह से तो ठीक है, अपना जो एक तरह से एक आप ये समझिए कि एक बैलेंस बना के रखना होता है विभाग को, वहां तो बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पैसा आएगा तो शायद निकल जाए, लेकिन राजेश क्या समय उतना बचेगा फिर नौकरियां करने के लिए? क्योंकि अभी तो आप देखिए मल्टीटास्क वर्कर्स पे ही धीरे धीरे ही हो रहा है फोकस है, पता नहीं वो भी कितना टाइम ले लेगा।